हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो ये वीडियो आपके लिए भाई, अगर आप हरियाणा के हो और हरियाणा में कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बिना सीईटी के है। कई प्रकार की वैकेंसी है, मतलब हर क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी है। ठीक है, नॉर्मल प्लस टू, 10वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बी टेक, इन सब चीज़ों के लिए सारी वैकेंसी है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत। नो टीचिंग पोस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी है, हर तरह की बता रहा हूँ, तो हर तरह की है, देख लेना वीडियो को। देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको लास्ट डेट इस फॉर्म की। पहले तो लास्ट डेट ये है इसकी, फॉर्म भरने की जो डेट है वो ये है भाई। द लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फ्रॉम 22 मार्च 2024 से 21 अप्रैल 2024। आज 16 मार्च है, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, लेकिन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो जाएंगे जी 22 मार्च से 21 अप्रैल तक। समझ गए पहली बात क्लियर? ठीक है, दूसरी, और यहाँ पे एक चीज और भी लिखी है, चलो ये बाद में देखेंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, ये एक वैकेंसी पहले भी आई थी जिस उस टाइम फिर इसको विड्रॉ वगैरह कर लिया था। तो जिसने पहले अप्लाई किया हुआ है और वो अपना ये फॉर्म अगर आप दोबारा से अप्लाई नहीं करते हैं, तो दोज कैंडिडेट अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ फीस, वो अपनी फीस भी रिफंड करवा सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ जी वैकेंसी के ऊपर। ये बताई थी लास्ट डेट मैंने आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देखो वैकेंसी है, दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है भाई, एक टेलीग्राम का सक्सेस हरियाणा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे मैं हर चीज शेयर करता हूँ, इधर आपको मिल जाएगा वो, उसको ज्वाइन कर लो आप। और वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज वहां पे मिलती रहेगी आपको। ठीक है, और मेरा जो चैनल, जिसको वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको मैं वीडियो के थ्रू अपडेट देता रहता हूँ। देखो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, ये तो आपके लेवल से बहुत ऊपर है, चलो छोड़ो इसको, तो क्या करना, ये तो अलग लेवल की वैकेंसी। एक वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट लेवल 9 की वैकेंसी आपके लिए है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो आगे दिखाऊंगा, इसी में ही आगे है। ठीक है, ये कितनी है, ये पोस्ट है एक, ये वाली लाइन पोस्ट की है, ये किस कैटेगरी में है वो है, वो चीज है। दूसरा पीजीटी के लिए भाई, केवल वुमेन के लिए पीजीटी की, दो है, हिंदी की और एक बायोलॉजी की, दोनों जर्नल के लिए है, टीजीटी की है। ठीक है, ये भी केवल वुमेन के लिए है, एक साइंस इंग्लिश संस्कृत एक, और आर्ट एंड क्राफ्ट 4, ये अलग अलग कैटेगरी की है। अब इसमें पता चलेगा कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में गई है, वो आगे पता चलेगा। आगे जो टीजीटी कैंपस के लिए वुमेन के लिए 2 पोस्ट, इंग्लिश एसएसटी के लिए ये कैटेगरी है। जूनियर इंजीनियर, इसमें क्या है, सबके लिए, लेकिन प्रेफर किया जाएगा वुमेन को। ठीक है, प्रेफर करेंगे, एक पोस्ट है जनरल के लिए पब्लिक हेल्थ में, दूसरी ये मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी, लेकिन अगर इक्वल नंबर हुए मान लो फॉर एग्जांपल, तो प्रेफर किया जाएगा फीमेल को। जूनियर इंजीनियर, फिर ये है इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, जनरल की ये जेई की है, ये सिविली में एक ये ईडब्ल्यूएस और एक अनरिजर्व, 2 पोस्ट है। हॉस्टल सुपरवाइजर केवल वुमेन के लिए एक पोस्ट है एससी की, बहुत बढ़िया है, ट्राई कर लेना कोई भी जो इसकी। स्टाफ नर्स, ध्यान देना भाई, स्टाफ नर्स ओनली वुमेन लेवल 6, 35,400, 6 पोस्ट है, 3 जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और बीसीए की, ये पे। ठीक है भाई, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 2 पोस्ट है, पीआरटी ये देखो 2 पोस्ट, जेबीटी 3 पोस्ट, और ये पीडीएफ है ना, मैं कंप्लीट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, अच्छे से पढ़ लेना, अभी टाइम आपके पास। जेबीटी 3 पोस्ट जनरल के लिए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश 5 पोस्ट, 2 3 जनरल, ईडब्ल्यूएस एससी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट, बीसीए की एक और एक जनरल की, ड्राइवर लेवल 4 में, ईडब्ल्यूएस एससी बीसीए। अच्छा ये है पंचकर्मा टेक्नीशियन 1 पोस्ट जनरल की, पंचकर्मा असिस्टेंट 2 पोस्ट जनरल। अच्छा अकाउंट क्लर्क लेवल 2 की, एक जनरल की एक ईडब्ल्यूएस की, यह है क्लर्क 15 पोस्ट है, जर्नल की, डब्ल्यूएस की, एससी, बीसीए, बीसीबी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, जर्नल 2। ठीक है, लैब अटेंडेंट 15 पोस्ट सेम टू सेम, जर्नल 4, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी, 15 ही पोस्ट ये है। ठीक है, ग्रुप सी की है। अटेंडेंट डार्क रूम 1 पोस्ट जनरल के लिए ग्रुप सी, लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 पोस्ट जनरल के लिए ग्रुप सी, सिक्योरिटी गार्ड ग्रुप डी 12 पोस्ट, ये अलग अलग कैटेगरी की है, पंप ऑपरेटर ग्रुप डी 1 पोस्ट जनरल के लिए। ठीक है भाई, तो ये है इनकी पोस्ट और भी आगे। ये तो देखो, ये जो पोस्ट थी ये तो है जो
यूनिवर्सिटी कैंपस है कहां का? सोनीपत का। अब जो बता रहा हूं ये है रीजनल सेंटर करनाल और जींद, जो ये है वहां पे। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट एक पोस्ट जनरल के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट एक पोस्ट एससी के लिए, अच्छे लेवल के टेक्नीशियन असिस्टेंट ये पोस्ट है। क्लर्क या क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 पोस्ट है, ये देख लो अलग अलग। जनरल, बीसीबी, बीसीए और एससी, ठीक है। बीसीए ईएसएम है, एससी भी ईएसएम है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 एक पोस्ट जनरल, सिक्योरिटी गार्ड 1 पोस्ट जनरल। ये है जी रेवाड़ी जो रीजनल कैंपस है इसका, उसके लिए सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट जनरल के लिए, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट जनरल के लिए, टेक्नीशियन की 1 पोस्ट, 2 पोस्ट ईएसएम जनरल और बीसीए बीसीबी के लिए। कंप्यूटर असिस्टेंट है, क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पोस्ट है जनरल के लिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट है 1 पोस्ट जनरल के लिए। ये सारी पोस्टें हैं और इन सब की क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे है भाई। फीस बहुत अच्छी है भाई इसमें, सोच समझ के भरना। देखो जर्नल, ईएसएम और ईएसपी, ठीक है। जर्नल, ईएसएम और ईएसपी, इनकी तो है 2,000 रुपया। फीमेल ऑफ हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा की लड़कियां हैं, केवल 1,000 रुपए, चाहे वो जो ये जर्नल के लिए केवल। फीमेल ऑफ जर्नल हरियाणा की, अदर स्टेट की जनरल में 2,000 जाएंगे, हरियाणा की जनरल वाली फीमेल 1,000 रुपए। कैंडिडेट एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हरियाणा का अगर है तो 500 रुपए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए हरियाणा वाले के लिए नील, अदर स्टेट सबकी 2,000 रुपए, ठीक है। एक बार फीस डिपोजिट कर दी, दोबारा से आपको नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब आ जाओ इस पे। लिंक ये है, जब खुलेगा जब बता देंगे। अभी इसकी क्वालिफिकेशन अगर आपको देखनी है तो क्वालिफिकेशन पर लेके चलता हूँ मैं। वैसे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी क्वालिफिकेशन की देखने के लिए। देखते हैं क्वालिफिकेशन कहाँ पे है इसकी। ये क्वालिफिकेशन भाई देखो, कंट्रोलर की ये है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट पीजीटी की, और मेनली ये सुपरिटेंडेंट वगैरह बैचलर डिग्री 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी नौकरी उनके लिए है। अच्छा जेई के लिए देखो, जेई वाले की नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो होती है वही है। हॉस्टल सुपरवाइजर लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ पे देखो क्या क्वालिफिकेशन है, 5 साल का होना चाहिए आपका। स्टाफ नर्स के लिए क्या है, आपका नर्सिंग में आपका एक तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, या और आपके पास क्या है इसमें, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम हो, या उससे हायर बीएससी एमएससी हो, ठीक है, और ए ग्रेड की इसके रजिस्ट्रेशन हो। और भाई यहाँ पे कैंडिडेट शैल हैव बी क्वालिफाइड द सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंपेरेटिव एस्पिरेशन और एप्रिसिएशन एप्लीकेशन फेज 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फेज 2। मतलब इसमें जो ये टेस्ट आएगा वो क्लियर करना आपका। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर है, पीआरटी है, ठीक है, जेबीटी के लिए, और यहाँ पे भाई कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की देखो, ड्राइवर की देखो, ये रही, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइवर हैवी और लाइट व्हीकल में, और ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आगे पंच ये है, मतलब क्लर्क की देखो, अकाउंट क्लर्क की ये वैकेंसी है, क्लर्क के लिए ये है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ट्राई करना है, खासकर सोनीपत के आसपास के एरिया वाले, वो जरूर ट्राई कर लेना। तो ये थी, इसको बहुत लंबा बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से इसको आप पढ़ लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस यही है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, सुबह सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। धन्यवाद।